चैनल में हम नया आ चुके मनु व्लॉग में। सो आज आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन हमारा जो भारत आजाद हुआ, तो आज के दिन हम पूरा ये डे जो है सेलिब्रेट करने वाले। यहाँ पे आज मैं पूरा अपने वो सबको बुलाने वाला, जो मेरे दोस्त और मेरे जो भैया है जिनसे मैं ट्यूशन पढ़ता एक्चुअली, वो भी आने वाले। तो वीडियो में बना रहा, वीडियो अभी मैं नहा के आ जाता फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस जैसे मैं जा रहा था नहाने, उसी टाइम में मेरी बुआ आ चुकी है, यहाँ देख सकते हो। हाय। तो अभी मैं जाता हूँ नहाने, तो फिर अभी मैं करता हूँ पूरा कुछ मजे करेंगे। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't. जैसे कि आप पीछे देख ही सकते हैं हमारे पर डेकोरेशन हो चुका है। मैंने अपने गालों में जो कि तिरंगे बना चुका हूँ। आपको पता है हमारे तिरंगे में तीन रंग होते हैं, ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन। इन हर इन रंगों के हर एक महत्व होती है। हमारे जो संतरा रंग होता है, हमारा ऑरेंज रंग होता है, उसके वो होती है हमारी ताकत, हमारी ताकत की प्रतिज्ञा होती है। और जो हमारा सफेद रंग होता है, वो सफेद रंग हमारी शांति का प्रतीक होता है। जो गाइस हमारा हरा रंग होता है, हरा रंग हमारे देश के हरियाली के लिए प्रतीक होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे देश का झंडा, यही हमारी पहचान है असली हिंदुस्तानी की। कि बहुत सही बात है, आज हमने हमारे देश को इतने साल हो चुके हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो हमारे हर हिंदुस्तानी लोग है, हर हिंदुस्तानी बच्चे, बूढ़े, जवान, मैं उनका यही कहना चाहूंगा, हमारे देश के लिए वो उनके लिए शब्द गाए। तो आज मेरे भैया है, वो हमारे देश के लिए कुछ कहना चाहेंगे, तो दिल से वो कहेंगे, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। मेरा नाम कुलदीप है, मैं सामने कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो मैंने अपने देश के जवानों में लिखी है। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी। फौजियों की गाड़ियों को देखकर हाथ उन्हें अपने आप सलाम ठोक देते हैं। बॉर्डर पर खड़े सिपाही बड़ी ही आसानी से देश के लिए अपनी जान झोंक देते हैं। कुछ तो बात है इस तिरंगे में जिसे देखकर मुझे पूरा देश घुमावा लगता है। जब लिपटता है जवान तिरंगे से, मुझे वो अमर होता हुआ लगता है। नमन करता हूँ मैं उस माँ को जो तिलक लगाकर बेटे को विदा करती है। कितना बड़ा दिल है उस माँ का, जो उजड़ी हुई बाहें देखकर सर फक्र से ऊंचा करती है। आज भी पुरानी चिट्ठियां पढ़कर सही जवानों का घर जगमगा जाता है। हर जवान का घर मुझे जन्नत सा नजर आता है। धन्यवाद। जैसे कि मैंने आपको जो कविता सुनाई, जो अपने देश, मैंने अपने देश के जवानों के ऊपर लिखी थी, आशा करता हूँ पसंद आएगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दिन वो जवान जो है हमारे दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात उठे हैं भूखे प्यास से अपने घर से दूर, तो हमें उनके लिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। जहाँ भी देखे उनको, मतलब उनको जब भी देखे उनको जय हिंद करना चाहिए और उन्हें सलूट करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और हर हिंदुस्तानी हर लोगों को ये वीडियो प्लीज शेयर करना। उसको उनको लोगों को लगना चाहिए कि हमारे जो देश के सिपाही है वो हमारे कितना। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद जय हिंद।